केही दिन अघि विमलपन्थी गोजा मोमोबाट राजीनामा दिएका तिलकचन्द्र रोका आज भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएका छन्। दार्जिलिङको मारवाडी भवनमा सम्पन्न भारतीय जनता पार्टीको एक साङ्गठनिक सभामा मोर्चाका पूर्व वरिष्ठ नेता तिलकचन्द्र रोका भाजपामा सामेल भएका छन्। उनलाई दार्जिलिङका भाजपा सांसद राजु विष्टले पार्टीको झण्डा प्रदान गरी स्वागत जनाएका छन्। भाजपामा सामेल भएपछि तिलकचन्द्र रोकाले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै गोर्खाहरूको एघार जनजातिको मुद्दा र स्थायी राजनीतिक समाधानको मुद्दालाई भाजपामा रहेर अघि बढाउनु पर्छ भनी बताएका छन्। फोटो लिजिएगा र रोकाजीलाई गोली गरी बधाई हामी सबैको तर्फबाट र आजदेखि महाराज माता की जय जय गोर्खा जय गोर्खा। देवेन गुरुङ, रिन्छेन लेप्चा, राकेश गुरुङ, दिपेन सुब्बा, मोहन गुरुङ, महेश, विजय, धीरज अनि इन्द्र छेत्री, वार्ड नम्बर सात र हिरिमा थापा, तीन विशेष कारण है। एक तो एघार जात गोष्ठी का जो है हमारा मांग है उसको मतलब आगे बढ़ाना है। दूसरा जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है उसमें बीजेपी में बैठकर उसको आगे बढ़ाना है, उसमें उसको हमें सफलता प्राप्त करना है हम लोगों का। और तीसरा ये है कि अभी जिस हिसाब से जिस ढंग से दार्जिलिंग में राजनीति हो रहा है, ये राजनीति का स्तर बहुत नीचे गया है। तो अब स्वच्छ राजनीति करना है दार्जिलिंग में। एक तो डेमोक्रेसी का वापस लाना है दार्जिलिंग में, जो नहीं था 1700 स्तर का था ये डेमोक्रेसी का, फिर इसको स्टैब्लिश करना है। ये सब चीज़ के लिए हमने विजय विचार किया। आपके साथ कितना लगभग आप मेरा साथ अभी 74 ज्वाइन किया। इसमें लॉयर भी था ऋषि थापा और दूसरा भी बहुत हो गए। तो आने वाला इलेक्शन में बंगाल में बीजेपी बस बंगाल को इस बार पहले भी बोला है बुलेट का जवाब बैलेट से, तो इस बार भी बुलेट और अन्य और अत्याचार का जवाब जो है हम लोग बैलेट से।